सुपरपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एस प्रोजेक्शन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे थे, सही कहा आपने। चलो चलो बच्चा आगे बढ़ा जाए। देख बेटा अगला हमारा टॉपिक इसमें है डैम्ड ऑसिलेशंस। ठीक है बेटा, नॉइस आ रहा है, माइक म्यूट कर दीजिए। देखो बच्चों, पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा ऑसिलेशन, है ना, वो जो हमारा ऑसिलेशन था बेटा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, फ्री ऑसिलेशन। ठीक है बच्चा, फ्री ऑसिलेशन। पहले जो हम पढ़े बेटा वो क्या था, फ्री ऑसिलेशन। और फ्री ऑसिलेशन में जो सिस्टम ऑसिलेट कर रहा था बेटा उसे हम कहेंगे क्या, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे इमेजिन करो, मान लो अगर कोई सेकेंड पेंडुलम कहा जाए बेटा, तो बताओ सेकेंड पेंडुलम के लिए, सेकेंड पेंडुलम के लिए बोलो बेटा कितना होता है टाइम पीरियड, बोलो बोलो, दो सेकेंड। बिल्कुल सही बात, उसमें रस्सी की लंबाई कितनी होती है, वन मीटर। बिल्कुल सही बात, सेकेंड पेंडुलम में, सेकेंड पेंडुलम में रस्सी की लंबाई होती है बच्चा 2 सेकेंड, है ना, एक मीटर रस्सी की लंबाई 1 मीटर, और टाइम पीरियड 2 सेकेंड, बोलो। टाइम पीरियड 2 सेकेंड, है ना, ठीक। अब बताओ बेटा, इमेजिन करो, सुना ध्यान से, क्या ऐसा हो सकता है बेटा कि हम सिंपल पेंडुलम को, बॉब को पकड़ लें, है ना, और उसको 4 सेकेंड के पीरियड में ऑसिलेट करें, हो सकता है कि नहीं, बताओ, हो सकता है ना। तो हम कैसे खींचते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, बोलो बेटा। यस सर, ये बात समझ में आती है ना, ठीक। तो देखो बेटा, सिस्टम जिस फ्रीक्वेंसी से खुद ही ऑसिलेट करता है ना बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। समझा बेटा, तो अब तक जो हमने पढ़ाया वो क्या पढ़ा है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी पढ़ा है बेटा, है ना, हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, है ना, लेकिन सिस्टम के ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी बच्चा और भी हो सकती है। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आई बेटा, है ना। तो देख बच्चा, अब हम बात करते हैं डैम्ड ऑसिलेशन की। तो अब बताओ बेटा, डैम्ड ऑसिलेशन क्या होता है, कोई बताओ सर, जो ऑसिलेशन में गिरावट, एम्पलीट्यूड कम होता जाए, एम्पलीट्यूड कम होता जाए, कम होता जाए, बिल्कुल सही बात, एम्पलीट्यूड कम क्यों होता जाएगा बेटा, एम्पलीट्यूड कम क्यों होता जाएगा, बताओ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी मैच ना होने की, रिस्ट्रिक्टिव फोर्स, डैम्पिंग फोर्स की वजह से बेटा, है ना, इसे मान लो एक पेंडुलम खींच के छोड़ दो, तो पेंडुलम बेटा अपने आप रुक जाता है ना, बोलो, हां सर, क्यों रुकता है बेटा, किसकी वजह से कहोगे, एयर रेजिस्टेंस की वजह से, है ना बेटा, यस सर, एयर रेजिस्टेंस की वजह से रुक जाता है बेटा ये, बोलो, यस सर, है ना, ठीक है। तो बताओ बेटा, अगर एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो रुक जाता है, तो एयर रेजिस्टेंस करता क्या है, तो कहोगे सिस्टम की एनर्जी से का लॉस करता है बेटा, है ना, ठीक है। अब सोच के देखो, सिस्टम की एनर्जी का अगर कोई लॉस कर रहा है, है ना, तो कैसे हो सकता है, बोलो, तो कहोगे वेलोसिटी को हमेशा अपोज करके, बोलो, यस सर, वेलोसिटी को हमेशा अपोज करके उसकी एनर्जी को डिक्रीज किया जा सकता है ना बेटा, बताओ, जैसे कि फ्रिक्शन होता है, अगर कोई सरफेस पे किसी बॉडी को मूव कराओ, क्या देखते हो हमेशा, फ्रिक्शन जो होता है बेटा, वेलोसिटी का हमेशा अपोज करता है, करता ना बच्चा। देख बेटा, अब तक जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे बेटा, हम लोग पढ़े थे बेटा इन फ्री ऑसिलेशन, है ना, हम लोग पढ़े थे बच्चा फ्री ऑसिलेशन पढ़े थे, है ना, और फ्री ऑसिलेशन में क्या पढ़ा था बेटा हम लोगों ने, F इक्वल टू माइनस के एक्स, बोलो बेटा, पढ़ा था ना, यस सर, बोलो, ठीक है। तो देख बेटा, F इक्वल टू माइनस के एक्स में इक्वेशन क्या होगा, F हो गया बेटा मास, है ना, और एक्सिलेशन लिख दिया बेटा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो, बोलो बेटा, ये हुआ था ना बेसिक इक्वेशन, बताओ, यस सर, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा इन डैम्ड ऑसिलेशन,
अब जब बात हो रही है बच्चा डैम्ड ऑसिलेशन की है ना, तो हम क्या कहेंगे कि डैम्ड ऑसिलेशन में क्या हुआ बेटा, एक फोर्स और ऐड हो गया, बोलो है ना बेटा, एक फोर्स हमारा और ऐड हो गया, कौन सा फोर्स है वो, डैम्पिंग फोर्स, बोलो है कि नहीं। तब क्या कहोगे बच्चा तुम कि डैम्पिंग फोर्स इज एडेड। ठीक है बेटा, ये डैम्पिंग फोर्स बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, है ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने लिया है बेटा वो कैसा लिया, तो हमने कहा हमने लिया एफ डैम्पिंग फोर्स लिया, ठीक है, लिया माइनस बी इंटू वी वेक्टर। बोलो बेटा माइनस बी मतलब क्या दिख रहा है, वेलोसिटी को अपोज कर, हमेशा वेलोसिटी को अपोज कर रहा है बच्चा, बोलो अपोज कर रहा है कि नहीं, बोलो बोलो सर। मतलब अगर डैम्पिंग फोर्स एक टाइप का है जो केवल वेलोसिटी को ऑलवेज अपोज करता है, तो मतलब डैम्पिंग फोर्स ऐसे भी हो सकते हैं कि बिना वेलोसिटी को अपोज किए या उसको कम किए भी डैम्पिंग ला सकते हैं ऑसिलेशंस में। अगर तुम वेलोसिटी कम करोगे ही नहीं है ना, तो डैम्पिंग एनर्जी लॉस करोगे ही नहीं, फ्री ऑसिलेशन नहीं होता है। हाँ तो मतलब वही हमें, मेरा कहना आपने कहा ना बहुत तरीके होते, तो हाँ, बहुत सारे तरीके जिसे इमेजिन करो, मान लो कभी झूला झूली है बच्चा, हाँ सर, हाँ अब बताओ झूला झूलते रहती हो बेटा, तो हवा का विरोध होता है, क्या होता है हमेशा तुम्हारी वेलोसिटी के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, और इस तरह से तुम धीरे धीरे रुक जाती हो। अब सोचना क्या सिर्फ हवा के रेजिस्टेंस से ही हम रुक सकते हैं, और कोई तरीका रुकने का नहीं है, मतलब चल रही है झूल रही है बेटा है ना, जब जैसे ही झूला नीचे आए पाँव से जमीन को टच कर दो, उससे भी रुकेगा ना, बोलो मैं तुम झूल रही अचानक कोई तुम बार बार टच करे अपोजिट डायरेक्शन में, तो भी रुकोगे ना, तो रुकने के बच्चे तरीके बहुत सारे हो सकते हैं ना, उसके लिए लगातार फोर्स के लगने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर भी अगर लगता है रेजिस्टिव फोर्स तो भी काम बन जाएगा है ना। लेकिन मैंने अभी क्या लिया, लगातार लगता हुआ फोर्स, कैसा, हमेशा वेलोसिटी के अपोज में, ठीक है बच्चा है ना। तो अब देखो बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला फोर्स लगी रहा था पहले से, अब एक फोर्स और लग गया, बोलो है ना बेटा, तो अब क्या कहेंगे, नाउ अब हम कहेंगे बच्चा कैसा हमारा इक्वेशन होगा, तो कहेंगे एफ प्लस डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, कहोगे ना बच्चा, एफ कितना फोर्स था बोलो, माइनस के एक्स, और डैम्पिंग कैसा फोर्स है, माइनस बी वी इक्वल टू माइनस ए है ना बेटा, इक्वल टू एम ए, बोलो बच्चा यहाँ तक बात समझे बेटा, है ना, ठीक है। अब देख बच्चा मैं ये कहूँ कि इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, मास एम एक्सेलरेशन डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर बोल सकते हो बेटा, प्लस बी इंटू वी, वी क्या हो गया बेटा, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस हो गया बेटा के एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा बेटा, यस सर, ठीक है। तो क्या दिख रहा है तुमको, पहले जो इक्वेशन था बेटा और जो अब इक्वेशन है, तुम्हें डिफरेंस दिखा, यस सर, कहेंगे एक टर्म बढ़ गया ना, यस सर, है ना बच्चा। तो बताओ तो डिफरेंशियल इक्वेशन में किस डिग्री का इक्वेशन है ये, 2 डिग्री का इक्वेशन है बेटा, है ना, 2 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम जानते हो ना इस बात को बेटा, yes, 2 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, है ना बच्चा। yes, तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करने का एक तरीका निकाला, ठीक है बेटा, और यूं कह दिया कि देखो बच्चा अगर मान लो मैं कहूं कि अगर कोई चीज है पी, है ना बेटा, पी कोई क्वांटिटी है, तो डीपी अपॉन डीटी को बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पी, बोल सकते हैं। अब मैं कहता हूं कि पी को हटा दिया मैंने यहां से और यहां से, तो बोलो बेटा सिर्फ डी को बोल सकते हैं ओनली रेट, है ना। अब बताओ यहां कह सकते हैं बेटा इसको रेट ऑफ चेंज, ये बेटा रेट ऑफ चेंज एक्स अपॉन डीटी, है ना, और इसको क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज, यस सर, मतलब यूं कहें सिंपल भाषा में रेट स्क्वायर, यस सर, है ना बेटा। तो ये एक ट्रिक है बेटा, है ना, इसको क्या मान लिया कि लेट लेट
रेट ऑफ चेंज इज आर, है ना? तो कहेंगे देन इक्विवेलेंट इक्वेशन, सेम इक्वेशन नहीं, फिर से बोल रहा हूं मैं, ये इक्विवेलेंट इक्वेशन, इक्वल नहीं है, ठीक है? क्या इक्विवेलेंट? तो कह दिया m इंटू आर स्क्वायर प्लस b इंटू रेट प्लस k इक्वल टू जीरो, बोलो बेटा। यस सर। क्योंकि k के साथ रेट नहीं है, क्वांटिटी है सिर्फ, हमें सिर्फ रेट चाहिए, ठीक है बच्चा? तो बन गया मेरा क्वालिटी इक्वेशन, तो r क्या बन जाएगा बोलो, माइनस b प्लस माइनस b प्लस माइनस माइनस 4 mk mk 4 mk डिवाइड बाय बोलो 2m, है ना बेटा? यस सर। ठीक है, तो कहेंगे बेटा m के यहाँ पे दो रूट्स आएंगे ना, बोलो। यस सर। m के दो रूट्स आएंगे ना बेटा, ठीक है? तो इनके रूट्स के आधार पे हम लोगों ने कुछ केसेस बनाए, ठीक है? जैसे मैंने कहा केस वन, ठीक है, कि देखो बेटा अंदर में जो बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर एम के, ये अगर जीरो से बड़ा हो तो आएंगे रियल रूट, बोलो। यस सर। रियल रूट आएंगे मतलब, रियल रूट आएंगे इसका मतलब बेटा वाकई में डैम्पिंग हो रही अच्छी खासी, है ना बेटा? तो इस सिचुएशन को कहा जाता है ओवर डैम्पिंग, है ना बेटा? इसे क्या कहते हैं? ओवर डैम्पिंग, है ना? मतलब जबरदस्त डैम्पिंग, है ना? जैसे कि देखो, अगर तुम पहले कहते थे बेटा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है ना बेटा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में तुम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बोलते थे, याद करो? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में तुम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे बोलते थे, बड़े बोलो। यस सर। यहाँ से यहाँ एक टाइम पीरियड है, बोलो, है ना बेटा? ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा, देखो बेटा मैं बोलूंगा कि डैम्पिंग अगर हो गया, डैम्पिंग बहुत अच्छा हुआ, तो कहेंगे चलो मान लो यहाँ से स्टार्ट किया तो मोशन हमारा ऐसे हो खत्म हो गया। रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ये फिर दोनों बातें अलग हो जाएंगे ना। यहाँ भी दिखाता हूँ तुमको, मान लो ये भी हमारा क्या बच्चा, कॉस फंक्शन हो, कॉस फंक्शन कैसे होगा बच्चा, बोलो ऑसिलेशन। कॉस फंक्शन का हमारा जो पाई डायग्राम बनाया था मैंने, किसका बनाया था? वो साइन का बनाया था बेटा, अब बना दिया मैंने कॉस का, बोलो। ठीक है, ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो, ठीक है बेटा? अब जब कहते हैं कि डैम्पिंग हो रहा है तो क्या बोलेंगे, डैम्पिंग कैसे हो रहा, ऐसे, मतलब एक भी ऑसिलेशन पूरा नहीं किया, है ना बेटा? इवन ये भी हुआ कि मीन पोजिशन को भी क्रॉस नहीं कर पाया। अच्छा सर, बोलो बेटा, है ना? और रुक गया, समझे बेटा? जैसे मान लो पानी के अंदर बेटा एक रख दो पेंडुलम को, समझा? किसी लिक्विड के अंदर किसी रख दो पेंडुलम को, है ना? और पेंडुलम को खींच के छोड़ो, क्या होगा? वापस आएगा बीच में ही रुक जाएगा, बोलो बेटा। ये क्या है? ओवर डैम्पिंग है। बात समझे बेटा? ये क्या है? ओवर डैम्पिंग है। बात समझ गया बेटा? ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है बेटा, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि डैम्पिंग हमारी हो, है ना? ठीक है, क्या हो, कुछ इस तरह से हो कि डैम्पिंग हमारी हो बेटा, या ऐसे आए, है ना बेटा, और ऐसे फिर रुक जाए, मतलब एक भी ओसिलेशन कंप्लीट नहीं किया, बोलो। ये दोनों क्या है? ओवर डैम्पिंग है। बात समझे भाई? डैम्प करने का मतलब क्या चाहते हो तुम बताओ? ओसिलेशन को रोकना चाहते हो ना? Yes, अच्छा बेटा, समझता है बेटा, जीवन में डैम्पिंग भी इम्पोर्टेंट है। जब तुम झूला झूलते होगे तो तुम्हें लगता होगा डैम्पिंग कितना खराब है, डैम्पिंग की वजह से झूला रुक जाता है ना, डैम्पिंग नहीं होता तो क्या होता, झूला झूलते ही रहता, बोलो। yes, राइट ना? और डैम्पिंग फायदेमंद कैसे है देखो, इसे मान लो बाइक में सॉकर होते ना, सॉकर। yes, sir. बाइक में सकों से क्या होता है, जब किसी गड्ढे में बाइक कूदती है ना बेटा, सॉकर की वजह से झटका फील नहीं होता, बोलो, है ना? लेकिन वही साइकिल गड्ढे में कूद के लाते खटखट आवाज करती है ना, चोट लगता है ना सीट पे। यस सर। अब सोचना, सॉकर मान लो गड्ढे में बाइक कूदी, सॉकर में ओसिलेट किया, है? अगर डैम्पिंग नहीं होता तो क्या होता, तुम सीटे बैठे बैठे ओसिलेट करते रहते हमेशा। यस सर।
बोलो है कि नहीं? तो तुम वहाँ क्या चाहते हो? वहाँ चाहते हो कि हाँ वो सिलेक्ट करे लेकिन एक हाथ बार में रुक जाए। तो तुम क्या चाहते हो? वहाँ ओवर डैम्पिंग हो, ऑसिलेट तो करे, स्प्रिंग की वजह ऑसिलेट करे लेकिन फिर डैम्पिंग करके उसको रोक दे, है ना? इसलिए बच्चा सॉकर के अंदर ऑयल डाला जाता है। सॉकर जानते हो ना, सॉकर से ऑयल लीक कर देगा तो क्या होगा? ज्यादा देर ऑसिलेट करेगा, है ना? बात समझ में आया यहाँ तक? यस सर। बोलो बेटा। सामान नेट चला गया था, फिर आपको दबा समझ। मैंने ग्राफ में ही कहा बेटा, ब्लैक वाला लाइन क्या बताओ? पहले का ऑसिलेशन है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ब्लैक वाला लाइन है ना। और रेड लाइन और ग्रे लाइन क्या दिखा रहा है बच्चा? कि ऑसिलेशन जो हुआ ये रुक गया, इतना हुआ ऑसिलेशन कि एक बार भी पूरा नहीं कर पाया ऑसिलेशन, और डैम्पिंग की वजह से वो रुक गया। समझा? ऐसे ऐसे इक्वेशन का जो हमारा इक्वेशन बनता है बेटा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इस कंडीशन में आता है सोल्यूशन, ये कुछ ऐसा आता है, x इक्वल टू बी वन ई टू द पावर आर वन टी, है ना, प्लस बी टू ई टू द पावर आर टू टी। ठीक है, आर वन आर टू क्या है? तो कहना आर वन एंड आर टू आर रूट्स, दो रूट्स है बेटा इसके, समझा? ठीक है सर। अब देखो बेटा केस टू, केस टू हमारा क्या है कि बी स्क्वायर माइनस फोर एम के इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, बी स्क्वायर माइनस फोर एम के इक्वल टू जीरो, इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? इसको बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। ये क्या है? क्रिटिकल डैम्पिंग। डैम्पिंग करने का मतलब क्या हुआ? तो क्या कहोगे? सप्रेस सबसेस ओसिलेशन ना बेटा, क्या कहेंगे? डैम्पिंग मींस सप्रेस ओसिलेशन, ओसिलेशन को बंद करना इज कॉल्ड डैम्पिंग। ठीक है बच्चा, है ना? तो ये ओसिलेशन को ओवर डैम्प कर दिया, बहुत जल्दी बंद कर देगा, है ना बेटा? ये क्या है? क्रिटिकल डैम्पिंग, मतलब डैम्पिंग है, ठीक ठाक डैम्पिंग है, ये भी रोक देगा, एक या दो ओसिलेशन करके रुक जाएगा बॉडी। समझा बच्चा? ठीक है ना? जो केस थ्री हमारा है इक्वेशन किसके लिए लिखी है सर? ऊपर x इक्वल टू ये वाली, ये उसके लिए है, ओवर डैम्पिंग के लिए। ठीक है बच्चा, सर ओवर डैम्पिंग में सर ये जरूरी है क्या कि सर मतलब कि सर एक ही ऑसिलेशन में पहले रुक जाए सर? हाँ बच्चा, ओवर डैम्पिंग का मतलब ही तुम ही चाहते हो ना, बस समझा दिया तुमको, इवेंट देके बेटा तुमको, हमें इवेंट देके समझा दिया तुमको ना कि डैम्पिंग क्यों जरूरी है। यस सर, यस सर। देखो बेटा केस थ्री में, केस थ्री हमारा क्या है? बी स्क्वायर माइनस फोर एम के लेस देन जीरो। ठीक, लेस देन जीरो मतलब क्या हुआ? कैसे रूट्स हो गए? इमेजिनरी। इसका मतलब डैम्पिंग वाकई में हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुई। नहीं, इसका मतलब इसको बोलते हैं अंडर डैम्पिंग। समझा बेटा, मतलब डैम्पिंग सफिशियंट नहीं है, है ना? और जब डैम्पिंग सफिशियंट नहीं है तो क्या होगा? डैम्पिंग सफिशियंट नहीं है तो क्या? ऑसिलेशन होते रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुम हवा में किसी पेंडुलम को ऑसिलेट करवाते हो, उसमें क्या होता है? लंबे समय तक करते रहता है बेटा ऑसिलेट, बोलो है कि नहीं? बहुत देर बाद रुकता है ना। जो हवा में किसी पेंडुलम को लटकाते हो बेटा और ऑसिलेट करवाते हो, है ना? ठीक है बेटा, तो देखो अगर तुम डैम्पिंग नहीं करोगे, अगर तुम डैम्पिंग नहीं करोगे तो क्या होगा? ये ऐसे ऐसे करता रहेगा, बताओ ऑसिलेट, हर बार उतना ही जाएगा बेटा एम्पलीट्यूड, बोलो एनर्जी लॉस नहीं होगी बेटा, बोलो, है ना? लेकिन अब जब तुमने डैम्पिंग कर दी, है ना, और डैम्पिंग कैसा है? अंडर डैम्पिंग, तो क्या होगा? देखो अब होगा तुम्हारा ऐसा कि डैम्पिंग तुम्हारी होने की वजह से ऑसिलेशन का बच्चा जो एम्पलीट्यूड होगा ना वो घटता जाएगा, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड घटता जाएगा, लेकिन काफी देर तक बेटा ऑसिलेशन होगा, है ना? काफी देर तक ऑसिलेशन होगा और एम्पलीट्यूड घटते जाएगा और लंबे समय के बाद ये रुक जाएगा, जैसे कि वाकई तुम देखते हो बेटा पेंडुलम में, एक ठीक ठाक टाइम तक करता ना बच्चा, बताओ ऑसिलेट करता है ना वो? यस सर। क्या कहेंगे हम? यू किया बेटा ऑसिलेट, यू किया ऑसिलेट। ठीक है,
इस तरह से इसका एम्पलीट्यूड घटते जाता है बोलो, है ना, और फाइनली रुक जाता है बोलो बच्चा। बात समझा आती है तुम्हारा क्या है बच्चा? अंडर डैम्पिंग। इसमें ओसिलेशन तुम देखो डायग्राम में सेम दिख रहा है क्या? नहीं नहीं सर। ये दिख रहा ना बेटा सेम? बोले अलग है इसका? यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बताओ ओसिलेशन? इसमें कहोगे देखो जो एम्पलीट्यूड हमारा है ये भी समय के साथ घट रहा है बेटा, है ना, तो इसमें हमारा क्या आता है सोल्यूशन? एक्स बराबर ए टी, ए टी मतलब एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है बेटा, इनटू साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव, ठीक है बेटा। ओमेगा डैश कितना? तो कहोगे ओमेगा डैश इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम माइनस बी स्क्वायर बाई फोर एम स्क्वायर, ये होता है इसका ऑसिलेशन। समझा बच्चा? ठीक है, जबकि पहले नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाला है, याद करो इस वाले केस में सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओमेगा क्या बोला था, याद है? अंडर रूट के बाई एम था ना, तो ओमेगा था बेटा रूट के बाई एम, और अब क्या ओमेगा डैश हो गया अब। समझा बेटा? और इसका जो एम्पलीट्यूड है ये भी समय के साथ घटता रहेगा, क्या है ये? तो कहोगे ए नॉट e टू द पावर माइनस बी टी अपॉन टू एम। समझा बेटा? है ना, यहाँ की ओसिलेशन की जो एनर्जी होगा बेटा ये भी समय के साथ घटता रहेगा, लेकिन फॉर्मूला वही फॉलो करोगे, क्या? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए टी स्क्वायर। समझा बच्चा? ध्यान से यहाँ देख लो बच्चा, ये ओमेगा डैश है और ये ओमेगा है, मतलब समझ में आ रहा है? yes, sir. ये ओमेगा रूट के बाई एम ही है बच्चा, एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ टाइम है। क्या हो जाएगा ये? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर पुट करोगे तो बचेगा क्या ना बेटा, बोलो बचेगा ना इसमें, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, बोलो बेटा, ए नॉट स्क्वायर e टू दी पावर माइनस बी टी बाई एम। क्या किया मैंने, इसको पुट कर दिया उसमें, बच गया। यस सर। ठीक है बच्चा, यही तुम्हारा क्या होता है, इसी कॉन्सेप्ट पे तुम्हारा ज्यादा क्वेश्चन बेस्ड रहता है। समझा बेटा? क्वेश्चन तुम्हारे इसी कॉन्सेप्ट पे आएंगे, दो बार अब तक क्वेश्चन आया है इसी पे आया है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे। फटाफट नोट कर लो सर, माइनस बी टी बाई एम है कि टू एम है? एम्पलीट्यूड वाले में, अच्छा एक मिनट, यहाँ गलती हो गई, एम्पलीट्यूड वाले में एम है और एनर्जी वाले में सिर्फ, एम्पलीट्यूड वाले में टू एम है और एनर्जी वाले में खाली एम है। नोट कर ले बच्चा, पहले ऊपर से लिख लो, सर थोड़ा सा नीचे करिए, ऊपर सब हो गया लिखा हुआ? ये सर हो गया। नहीं तो रुक दे, प्लीज सुन दे, बोलो सर। जो फ्रीक्वेंसी चेंज ही हो रही है अंडर डैम्पिंग में, तो एनर्जी के एक्सप्रेशन में ओमेगा ही क्यों डाल रहे हैं? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, गलत नहीं तुम्हारी बात, है ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं बचा, है ना। यहाँ भी जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल सम किया जाता है ना, तो रिजल्ट ही आता है। हो गया बच्चा? एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, बोलो बच्चा, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, अच्छा कुछ है ही नहीं बेटा, क्या लिखेगा आप? लगाया सा कुछ बॉक्स में बना हुआ है, नहीं सर हो गया। हो गया बच्चा,
ये अच्छा हो गया हमारा क्या डैम्ड ऑसिलेशन, ठीक है बेटा। अब चलो बात करें बेटा हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेशन की, ठीक है। डैम्पिंग में क्या हो रहा था बेटा, एनर्जी लॉस होने की वजह से क्या हो रही थी, ऑसिलेशन धीरे धीरे सप्रेस हो रहा था बच्चा, है ना, ठीक है। लेकिन फोर्स ऑसिलेशन में क्या है, तो कहेंगे हम बेटा एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करें ताकि हमेशा ऑसिलेट करता रहे, बोलो, है ना। एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं से सप्लाई की जाए उसको ताकि वो लगातार ऑसिलेट करता रहे, ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, है ना। तो कहेंगे डेफिनेट रेट ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड टू कंटिन्यू ऑसिलेशन, समझा बच्चा। ऑसिलेशन को कंटिन्यू करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, एक नए तरीके से उसके ऊपर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चा। इस बात को यूं समझो जैसे कि मान लो एक पेंडुलम लटका हुआ है बेटा, उस पेंडुलम को खींच के छोड़ दिया वैक्यूम में कर देंगे तो क्या होगा सर, एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा बेटा, ये हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा। इसका कितना टाइम पीरियड होगा बोलो, इसका टाइम पीरियड होगा रूट ओवर एल बाई जी, बोलो, इसका टाइम पीरियड होगा 2π रूट ओवर एल बाई जी, है ना, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या किया, इसको हवा में ऑसिलेट किया, हवा में ऑसिलेट करने से क्या हुआ, इसकी टाइम पीरियड कुछ और हो गई, जो पहले ओमेगा था अब ओमेगा डैश हो गया, बोलो रे, लेकिन अभी भी कर रहा ऑसिलेट। तो मान लो बेटा पहले था उसके ऑसिलेशन का पीरियड 2 सेकेंड, है ना बेटा, तो 2 सेकेंड क्या था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ, चेंज कर गई फ्रीक्वेंसी डैम्पिंग की वजह से, है ना बेटा। चलो मान लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई अब 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, ना बेटा। लेकिन हम चाहते हैं बच्चा कि वो ऑसिलेट करता रहे, हम चाहते हैं कि वो ऑसिलेट करता रहे, कैसे होगा, हमें उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, बोलो बेटा, है ना। तो बताओ ऐसा हो सकता है कि नहीं, उसको हाथ से पकड़ लें पेंडुलम को और उसको 2 सेकेंड के टाइम पीरियड वापस घुमाएं, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। अच्छा ये हो सकता है कि नहीं, उसी पेंडुलम को फोर्स लगा करके 1.5 सेकेंड के पीरियड पे ऑसिलेट करवाएं, हो सकता है, जो फ्रीक्वेंसी चाहेंगे उस फ्रीक्वेंसी में कर सकते हैं ना, बोलो, यस सर। इसका मतलब क्या समझ में आया, फोर्स्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, बोलो, फोर्स पे सर, एक्सटर्नल फोर्स पे, है ना बेटा, तब क्या कहोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एंड इट्स एम्पलीट्यूड, इसका जो एम्पलीट्यूड आएगा बेटा, है ना, ये भी क्या होगा, डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड फोर्स, है ना बेटा, है ना। मैंने कहा लेट द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, है ना बेटा, इज कितना है, एफ इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा 1t, पहले था ओमेगा डैश, अब मैंने कहा ओमेगा 1t, ठीक है बेटा। ये क्या हमारा हुआ, एक्सटर्नल फोर्स का ऑसिलेट करने का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है बच्चा। तो अब बताओ अगर एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी है ना, तो अब तुम इक्वेशन कैसे बनाओगे, अब कहोगे बेटा कि देखो जब फ्री था ऑसिलेशन तब फोर्स लग रहा था कितना, बोलो, -kx, है ना बेटा, उसमें क्या आया, डैम्पिंग, उसमें आया डैम्पिंग, तो माइनस बी भी आया, बोलो बेटा, है ना, उसके ऊपर मैंने फोर्स लगा दिया अपना एफ, है ना, और ये रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, बोलो, ये ना कहोगे सर, इक्वेशन फिर से बता दीजिए एक बार, ये क्या था बेटा, ऑसिलेशन वाला फोर्स, यस सर,
मैन ये क्या आया बताओ, डैम्पिंग वाला फोर्स? यस सर। अरे मैं लगाया एक्सटर्नल फोर्स ताकि ऑसिलेशन होता रहे, डैम्पिंग वाला बोलो। ठीक है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? एम हो गया, एक्सिलेशन हो गया बच्चा डी टू एक्स बाई डी स्क्वायर, प्लस बी हो गया हमारा डी एक्स बाई टी, प्लस हो गया बेटा के एक्स बराबर एफ, और एफ को लिख दिया एफ नॉट साइन ओमेगा वन इंटू टी। बोल बेटा। यस सर। ये भी एक बनाया, एक नया सिंपल हार्मोनिक मोशन। बोलो बेटा। यस सर। एक सॉरी एक बनाया नया बना बेटा इक्वेशन। बोलो, ये एक नए तरह का बना बेटा इक्वेशन हमारा। तो तीनों इक्वेशन में डिफरेंस देख के पहचान सकते हो ना कौन किसका इक्वेशन है? बोलो, देख लो फिर से एक बार। यस सर। सबसे पहला किसके दिखाया था मैं तुमको? फ्री ऑसिलेशन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यस सर। ये क्या था बेटा? एमडीसी डैम्ड ऑसिलेशन। यस है ना। यस सर। अब क्या आया है? फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है बच्चा, है ना? इसका जो इक्वेशन होता है ना बेटा, इसका जो सॉल्यूशन होता है इस इक्वेशन का, इट्स सॉल्यूशन इज, इसका होता है बेटा सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा वन टी प्लस फाइव। समझ गया तुम? तो जितने फ्रीक्वेंसी से फोर्स ऑसिलेट करवाएगा बच्चा उसी फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन होगा। बोलो, है ना? Yes, ठीक है। इसका जो आता है बेटा एम्पलीट्यूड वो कितना आता है? इसका आता है बेटा एम्पलीट्यूड एफ नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा वन स्क्वायर। ठीक है बेटा, का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ओमेगा वन स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये इसका आता है एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। और जो टेन फाइव है बेटा इनिशियल फेज, ये हमारा है माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा वन इनटू एक्स नॉट। ठीक है बेटा, जहां पे वी नॉट एंड एक्स नॉट क्या है? आर इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी एंड पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी एंड पोजीशन। समझा बच्चा? ठीक है, इसमें एक स्पेशल कंडीशन सीख लो अच्छे से, डायग्राम में ध्यान देना बेटा। इफ ओमेगा बराबर ओमेगा वन क्या होगा बोलो? अगर ओमेगा हम ओमेगा वन के बराबर कर दें, है ना, इसका मतलब क्या हुआ? ओमेगा क्या था बोलो? ओमेगा क्या था? ये तो बेटा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना, और ये क्या है? ओमेगा वन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है ना बेटा। फ्रीक्वेंसी हम जो फ्रीक्वेंसी अप्लाई किए अगर वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो क्या दिख रहा है? ये टर्म जीरो हो जाएगा। यस सर। बोलो बेटा, है ना? तो टर्म मैक्सिमम हो जाएगा, बोलो, हो जाएगा ना बेटा? यस सर। इसका मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। यस है कि नहीं? है ना। इज कॉल्ड रेजोनेंस इन ओसिलेशन। समझे बच्चा? तो क्या बोलते हैं हम लोग? रेजोनेंस इन ओसिलेशन। कब ऐसा होगा? जब ओसिलेट करने वाले की फ्रीक्वेंसी और ओसिलेट करवाने वाले की फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर हो। समझ में आया बेटा? इसमें क्या होगा? ओसिलेट करने की एम्पलीट्यूड हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, लिख लो बच्चा। सर, अगर हम मतलब जैसे कोई बॉडी पहले से ऑसिलेट कर रही हो और उसमें जो हम फोर्स अलग से लगा रहे हैं सर, वो नेचुरल ऑसिलेशन नेचुरल फ्रीक्वेंसी के जितनी फ्रीक्वेंसी वाला है, तो मतलब वो फिर डबल हो जाना चाहिए। क्या डबल हो जाएगा? जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल रही है डबल हो जाएगी। नहीं, वाह वाह, ये बात तो वही बात हो गई बेटा कि मेरे को कहीं जाना हो और जल्दी पहुंचना हो तो मोटरसाइकिल भी निकाल लो, कार भी निकाल लो। बोलो।
ऐसे बोलेंगे क्या, बाइक चलेगा 20 मीटर पर सेकंड से, कार चलेगी 20 मीटर पर सेकंड से, तो मेरी स्पीड हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड? नहीं सर। होगा क्या? नहीं सर। देखा अजय देवगन का मूवी जो दो कार पे चलता है, पावर करके उसमें अजय देवगन की स्पीड डबल होती है क्या? आगे पीछे क्या कहोगे? क्यों अजय देवगन के फास्ट मूव करने का तरीका है? फ्रीक्वेंसी जो है बेटा, तो बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं है बेटा, फ्रीक्वेंसी एक बार नहीं हो सकती है। बताओ अगर ओमेगा वैसे कर रहा था कब, जब फ्री था है ना, जब फोर्स लगाया तो ओमेगा वन से करना शुरू कर दिया, अब ओमेगा है ना। लेकिन अगर मैं ओमेगा वन को ओमेगा के बराबर रखूं तो सिस्टम के ऑसिलेट करने का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, समझा? यस सर। है ना, यू समझ कि तू जिस तरीके से समझ सकता है ना, उसी तरीके से मैं समझाऊं तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। यस सर, यस सर। बोलो। हाँ सर। बोलो सर। एट सॉल्यूशन इसके बाद जो ए बराबर एफ नॉट करके नीचे लिखा है सर, वो बता दीजिए कैसे आया? ये कैसे आया बताओ तो बेटा। इन सारे क्वेश्चन का सलूशन जो है बेटा, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आएगा, है ना। और समस्या ये है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते अभी की स्थिति में, ये सेकंड डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके रिजल्ट सिर्फ याद करने है बच्चा। सर वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एंड पोजीशन। यस सर। इनिशियल टी बराबर जीरो पे मोशन कहां से स्टार्ट हुआ, मीन से कि एक्सट्रीम से या मीन एक्सट्रीम के बीच से, समझा? यस सर। सर ये सर टेन फाइव क्या है सर? कोई फेस था देखो, इनिशियल यहां था ना, फाइव देखो। अच्छा हाँ सर, ठीक है, हो गया बच्चा। चलो एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन है बेटा। इन ए डैम्ड ऑसिलेटर, डैम्ड ऑसिलेशन है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन changes from a naught to a naught by 2 है ना बेटा, in 10 oscillations है ना बेटा, 10 बार oscillate किया ना, तो एम्पलीट्यूड ए नॉट से ए नॉट बाई टू हो गया है ना बेटा। तो सवाल कहता है फाइंड एम्पलीट्यूड आफ्टर 10 मोर ऑसिलेशन, 10 बार और कर देगा ऑसिलेट है ना बेटा, तो कितना हो जाएगा एम्पलीट्यूड, बनाओ।
सर ए नॉट बाई फोर बिल्कुल सही सबका आ गया बेटा यस सर यस देखो तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या लिखा था बेटा हम लोगों ने टाइम डू ऑसिलेशन में देखो ऊपर टी बराबर ए नॉट की पावर टी टू देख इतना बेटा ठीक है इतना हमारा ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी एन तो कहेंगे बेटा कि देखो 10 बार ऑसिलेट किया ना बेटा तो कितना हो गया ए नॉट बाई टू इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी बाई टू एम मान लो बच्चा कि 10 ऑसिलेशन का टाइम कैपिटल टी है ना तो इंटू टी हो गया बोलो ठीक है अब मान लिया एम्पलीट्यूड ए हो गया अब कहा गया 10 ऑसिलेशन और हो गया इसका मान लो बी बाई टू एम इंटू टू टी हो गया बेटा बोलो है ना तो क्या ऐसे बोल सकते हैं बेटा इसको ए नॉट e टू द पावर माइनस बी बाई टू एम इंटू टी का स्क्वायर बोलो बेटा बोल सकते हैं ना इसका मतलब कितना हो गया ए नॉट इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें हाफ हो जाएगा बेटा बाई टू का स्क्वायर इसका मतलब हो गया आंसर ए नॉट बाई फोर ठीक है बच्चा सर लेकिन सर इसके लिए तो सर हम लोग को सर टाइम पीरियड सर कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना और सर टाइम अरे बदमाश कहीं का नहीं होता कौन के बताओ होता ना कांस्टेंट सर लेकिन सर इसमें तो सर नहीं दिख रहा है सर सर नहीं दिख रहा ग्राफ में सर कहां ग्राफ था इसका ग्राफ कहां था इसका टाइम पे ग्राफ कहां ये वाला यस सर अंडर डैम रेड वाला ग्राफ देखो यस सर बोलेंगे ना कांस्टेंट मान लो यहाँ से यहाँ की बात करो फिर यहाँ की बात करो फिर यहाँ की बात करो आपने ग्राफ बनाया था जब आपने बोला था कि कांस्टेंट नहीं रहेगा बच्चा मैंने कहा इसके रेस्पेक्ट में सेम नहीं होगा ये कहा था मैंने अच्छा हाँ समझा अच्छा जी जी जब यहाँ दिखे बताओ इसमें कौन सी चीज वेरिएबल तुम बताओ इसमें क्या वेरिएबल है बोलो हाँ ये तो बात कुछ वेरिएबल नहीं बच्चा नो सर तो सवाल देखो सवाल कहता है बेटा ए स्प्रिंग कप ऑफ फोर्स कांस्टेंट 400 न्यूटन पर मीटर is oscillating with mass 2 kilogram है ना 4 kilogram in natural frequency ठीक है बेटा natural frequency से कर रहा है oscillate है ना अब कहता है now the system is put under damping force ठीक है बेटा F equal to -8 B vector है ना तो कहता है find percentage change in time period of oscillation बोलते बेटा ठीक है चलो करो एक मिनट रुक जाओ बी स्क्वायर कितना होगा बोलो इसमें 64 होगा ना रे माइनस फोर एम के ठीक है बनाओ परसेंटेज चेंज कितना होगा टाइम पीरियड में सर ये 8 के आगे क्या लिखा हुआ है सर 8 कांस्टेंट है अच्छा सर एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस 8 न्यूटन सिर्फ 8 बी वेलोसिटी भी है अच्छा सर
सर बोलो 16 पाई 1 अपॉन 1536 अप्रॉक्स कर लो कहीं भी कैलकुलेशन को एप्रोक्स 10% बोलो एप्रोक्स 10% अप्रॉक्स 10% आ रहा है सर 0.01% 0.01% सर एक सेकंड चलो सर एक सेकंड करो डेल्टा टी सर 5/8% सर 5/8 यस सर चलो देखते हैं बेटा 9.3% देखते हैं बच्चा पहले कितना था बोलो 2π√m/k ना बेटा यस सर तो 2π/10 आ रहा होगा यस सर पाई बाई 5 कितना हो जाएगा 0.628 बोलो बेटा होगा यस सर कितना सेकंड आया है ना अब चलो बात करें नया फ्रीक्वेंसी का ओमेगा डैश क्या होता है बेटा ये फॉर्मूला बताओ स्क्वायर रूट बाय एम माइनस 4m/4m है ना 4m स्क्वायर है सर स्क्वायर होता स्क्वायर था ना हां ठीक ठीक तो कितना हो जाएगा k/m कितना हो गया बेटा सर बोलो के 400/400 100 हो गया ना माइनस हो बी स्क्वायर हो गया बच्चा 64 बाय 4 m स्क्वायर 4 into 16 इसका मतलब हो गया बेटा स्क्वायर रूट 99 यस सर बोलो है ना तो कितना हो गया बोलो नया टाइम पीरियड 2π/ω- है ना बेटा यानी मान लो 99 स्क्वायर रूट 99 है ना बेटा रुको 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 एक मिनट इसको तेज छोड़ देते हैं ठीक है चलो ठीक है देखो तो बेटा इसको ऐसे बोल सकते हो 2π स्क्वायर रूट ऑफ 10 बाहर निकाल लिया है ना बेटा 1 - 1/100 यस सर बोल सकते हैं ना बोलो यस सर 0.5% 2π/10 1 - 1/100 का पावर माइनस ऑफ बोलो बेटा यस सर लेकिन नहीं तो हो गया बच्चा 2π/10 into 1 - 1/2 + 200 बोलो बेटा है ना तो डेल्टा टी डैश कितना हुआ बोलो टी डैश माइनस टी इज इक्वल टू 2π/10 इनटू 1/200 बोलो बेटा है ना तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ बेटा डेल्टा बाय टी इनटू 100 है ना तो 2π/10 इनटू 1/200 इनटू 100 से नहीं नहीं तो क्या बजेगा क्या बजेगा तो 0.5% आ रहा है मेरा बेटा यस सर 0.5% यस सर गलती हो गई थी सर नहीं आ रहा है चेंज सर वो 92 मिल आई ना वहां पे हां हो गया बच्चा यस सर हो गया सर चलो आगे के इसको संभव करें एक मिनट सर नीचे वाला क्या दिया था यस सर पार्ट सेकंड के सर 10 क्वेश्चन और सर 3 पार्ट 2 का नहीं पार्ट 1 दिया होगा ना पार्ट 1 के 10 पार्ट 1 का आरबीडी में सर आरबीडी में सर एक्सरसाइज 1 और 2 के सर एबीसीडी सेक्शन ठीक है बेटा निकालो ओ पहले तो आईबीडी किया जाए ना बोलो बेटा एक्सरसाइज 3 11 से 20
26 तो हो गया था ना, 20 से 30 दिया था, 11 से 20 दिया था, 11 से 20 बेटा, 11 से 15 पूछना है, 11 से 15 में नहीं पूछना, 15 से 20 बोलो, नहीं सर, चलो एसएम में आओ फिर, पार्ट वन में सेक्शन डी का टी फोर, सेक्शन डी डी टू सर क्या हो गया सर, सेक्शन ए टू सेक्शन डी में बेटा, सेक्शन डी हुआ सर, क्या पूछना है, D4 देखो बेटा, D4 में एक पेंडुलम को लटका दिया लिफ्ट में, जिसका टाइम पीरियड टी नॉट है, जब लिफ्ट स्टेशनरी है ना बेटा, व्हाट विल बी द पीरियड टी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम अगर लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेट करना शुरू कर दे विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 3g/4, तो बोल बेटा ऊपर अगर एक्सीलरेट करेगा तो नीचे एक्सीलरेट करेगा, है ना बेटा, कितना लगेगा बताओ, सूडो फोर्स, नीचे तो सूडो फोर्स लगेगा नीचे ना बेटा, यस सर, इसका मतलब जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ए माइनस जी, कहेंगे जी माइनस ए, जी माइनस 3g/4, यस सर, इसका मतलब जी बाई फोर ना बेटा, बोलो, यस सर, तो पहले का टाइम पीरियड कितना था, टी नॉट बराबर 2π√L/g, बोलो, अब जी की जगह पुट कर दोगे जी बाई फोर, तो टू पर चला जाएगा ना बेटा, तब हो जाएगा टू डी नोट, बोलो सर, ए माइनस जी लगेगा सर, ए माइनस जी नीचे एक्सीलरेट कर रहा है बेटा ना, तो सूडो फोर्स ऊपर लगेगा ना बेटा, तो जी माइनस ए हो जाएगा ना, ए माइनस जी क्यों, पार्ट टू देखो बेटा, सेकंड पार्ट कहता है क्या, इसमें सेकंड पार्ट कहता है बेटा, व्हाट मस्ट बी द एक्सीलरेशन, व्हाट मस्ट बी द एक्सीलरेशन ऑफ द लिफ्ट फॉर द पीरियड ऑफ पेंडुलम टी नॉट बाई टू, है ना बेटा, कहता है पेंडुलम का पीरियड टी नॉट बाई टू होता है अगर, है ना, व्हाट मस्ट बी द एक्सीलरेशन ऑफ द लिफ्ट ताकि पीरियड टी नॉट बाई टू हो जाए, है ना, आधा हो जाए, इसका मतलब ये करना है हम लोग को बेटा कि जी इफेक्टिव को 4g कर देना है, बोलो, यस सर, इसको 4g कर दोगे तो कहां काम बन जाएगा ना, यस सर, मतलब बेटा ए प्लस जी प्लस 3g करना पड़ेगा, मतलब 3g हो गया बेटा एक्सीलरेशन, यस सर, और बोलो पार्ट टू पूछना, पार्ट टू में डी टू ए नाइन बता देना सर, पहले पार्ट टू में डी टू बोलो, ए नाइन देख लो, ए टू किसने पूछना है, ए नाइन, ए टू किसने बोला, नहीं सर डी टू बोला था, डी टू सर, डी टू, अच्छा 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 बता तो दिया सर, देखो बेटा नहीं पार्ट टू का पूछा था, देखो बेटा ए नाइन में कहता दो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहे हैं बेटा, दो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में हैं और एक कहता है एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, है ना, तो मान लिया जाए बेटा ये एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम और ये मीन, है ना, एम्पलीट्यूड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, सेम स्ट्रेट लाइन पे they cross one another without collision, बिना दूसरे को cross कर जाते हैं, when going in opposite direction each time their displacement from mean position is half of their amplitude, मतलब यहाँ पे है बेटा बोलो, ये जा रहा है opposite direction, मतलब इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, बोलो, yes sir, तो देखते बेटा x equal to a sin theta अगर कहोगे और x को a by 2 put कर दोगे तो a sin theta हो जाएगा ना, बोलो, yes sir, तो sin theta half ना आ गया बेटा, इसका मतलब एक एंगल पाई बाय 6 और एक एंगल 5 पाई बाय 6,
है ना। तो देख बेटा यहाँ का फेज होगा पाई बाय सिक्स, इसका फेज होगा फाइव पाई बाय सिक्स होगा, बोलो। यस सर। तो दोनों में कितना होगा फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा बोलो, फाइव पाई बाय सिक्स माइनस पाई बाय सिक्स कितना होगा बोलो, फोर पाई बाय सिक्स ना, टू पाई बाय थ्री 120 डिग्री। और बोलो सर, ए थ्री बताइए, ए थ्री वाला सर एक बार, ए थ्री मैग्नीट्यूड ऑफ v मे बी, ठीक है। तो पहला कहता है जीरो, बताओ जीरो कहाँ होता है वेलोसिटी, मेन पोजीशन एक्सट्रीम पे जीरो हो गया वेलोसिटी। यस सर। दोबारा जीरो वेलोसिटी यहाँ पे होगी ना बोलो। यस सर। बताओ यहाँ से वहां की कब बोल सकते हैं टाइम पीरियड, नहीं ना बच्चा वापस आके तो ना बोलेंगे टाइम पीरियड। यस सर। यस सर। दूसरा बोलता है भी मैक्सिमम, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी बेटा, मीन पर, मीन पोजीशन पे ना बोलो। यस सर। मीन पे देखो मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई है ना। दोबारा ये वेलोसिटी कब होगी, देखो यहाँ से आगे जाएगा फिर देखो बेटा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा तो इधर इक्वल वेलोसिटी होगी ना बेटा, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो गया ना ये। यस सर। तो फिर से वापस आएगा तब ना बेटा सेम डायरेक्शन होगा। यस सर। तो तुम देखो पूरा होगा कि नहीं हुआ ऑसिलेशन, हो गया ना पूरा, यही आंसर हो गया। फिर देखो v मैक्सिमम का हाफ, इसका मतलब मीन से एक्सट्रीम के बीच में कोई पॉइंट बोलो है ना, वापस आया तो यहाँ देखो अपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन ही चलेगा लेकिन जब वापस आएगा तो यहाँ भी तो एक बार होगा बेटा सेम वेलोसिटी देखो। यस सर। लेकिन ओसिलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है ना अभी। नो सर। जो प्रॉब्लम सी के साथ है वही प्रॉब्लम डी के साथ है। बिल्कुल सर। और बोलो। बिगिनिंग ऑफ मोशन कहता है मोशन की कितनी देर बाद हार्मोनिकली ऑसिलेटिंग पार्टिकल इक्वल टू वन हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, कितने समय के बाद एम्पलीट्यूड का हाफ होगा अगर टाइम पीरियड 24 सेकेंड है। टाइम पीरियड इसका बेटा देख 24 सेकेंड है ना, और स्टार्ट कहाँ से किया है, रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब क्या हुआ, पाई बराबर एक्सट्रीम ना बेटा। यस सर। एक्सट्रीम। यस सर। यस सर। जीरो वेलोसिटी स्टार्ट किया। यस सर। एक्सट्रीम से ना बेटा स्टार्ट किया और कहाँ पहुँचना है, हाफ पे। हाफ पे। यस सर। है ना बेटा। तो इसका फेस क्या होता है, पाई बाय सिक्स। पाई बाय सिक्स। या फाइव पाई बाय सिक्स है ना बेटा। यस सर। और यहाँ कितना होता है, पाई बाय टू। पाई बाय टू। तो कैसे भी तुम देख लो फेज का डिफरेंस कितना है बेटा, पाई बाई थ्री का है ना, बोलो पाई बाई सिक्स का है ना बोलो। और ये क्या होता है, ओमेगा टी ना बताया। यस सर। यस सर। पाई बाई सिक्स इक्वल टू टू पाई बाई 24 इनटू टी निकल गया टी। यस सर। समझ गए। यस सर। और बोलो बी फाइव। अच्छा पाई बाई थ्री होगा बेटा, पाई बाई थ्री होगा ना ये, बोलो 150 है ना ये, और ये 30 है ना, ये 90 है। आगे बोलो B5। देखो B5 में कहता बेटा काइनेटिक एनर्जी और टाइम का कैसा ग्राफ होगा, तुमको पता है ना कि अगर इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है तो काइनेटिक एनर्जी का 2 ओमेगा होता है ना। Yes, जितने देर में एक ऑसिलेशन करेगा उतने देर में काइनेटिक एनर्जी को 2 करना चाहिए ऑसिलेशन, ये तो पॉसिबल है बोलो। यस सर। और बोलो सर। डी टू बोलिए। फोर सी फोर हो पाया सर। सी फोर सर। सी फाइव। सी फोर सी फाइव। सी फोर देखो बेटा एक बॉल है एम के जी का, एक स्प्रिंग से लटका हुआ है, बॉल जो ऑसिलेट कर रहा है टाइम पीरियड टी में,
अगर बॉल को हटा लेंगे है ना तो स्प्रिंग कितना छोटा हो जाएगा, ये पूछा ना बेटा, बोलो। अगर बॉल को हटा लोगे है ना बेटा, तो पहले से कितना रहा होगा इलोंगेशन, पहले रहा होगा ना बेटा mg बराबर के x, yes, sir. तो x बराबर mg by k है ना, लेकिन अगर टाइम पीरियड t था इसका, तो t कितना है 2 pi square root m by k, तो m by k कितना हो जाएगा बच्चा, t square by 4 pi square, इसको यहाँ पुट कर दो, समझ गए? D2 सर, C2 C5 देख ले बच्चा, कहता है कि स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है बेटा, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर कोई मास कर रहा हो सेलेट है ना, और कहता है कि 30 डिग्री एंगल, मास इज टेकन 2.5 सेंटीमीटर अप द सरफेस ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, टेंशन द स्प्रिंग रिड्यूसेस टू 0 है ना बेटा, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर खींच लिए तब उसका नेचुरल लेंथ आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2.5 सेंटीमीटर के इलोंगेशन से है ना बेटा वो mg sin थीटा को बैलेंस किए हुए था, बोलो, यस सर, ये मतलब हुआ ना इससे, यहां से तुम k निकाल लो, अब कहता है मास को छोड़ देंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तुमको पता है फॉर्मूला ओमेगा बराबर, यस सर, अब तो हो जाएगा है ना सर, C2 देख बच्चा, सवाल को ध्यान से पढ़ो बेटा, इसमें स्प्रिंग नहीं है, इसमें रबड़ है, रबड़ कॉर्ड है ना, तो रबड़ के कॉर्ड में क्या कॉम्प्रेशन आ सकता है बेटा, नहीं ना, सिर्फ इलोंगेशन होगा बेटा, बोलो, यस सर, है कि नहीं, इसका मतलब क्या हुआ देखो बेटा, अगर इस गाड़ी को तुम इधर ले जाओगे है ना, तो ये वाला स्प्रिंग काम नहीं करेगा, यस सर, सिर्फ एक ही काम करेगा ना, यस सर, यस सर, और जब इधर लेके आओगे तो क्या होगा सर, वो के ही हो जाएगा फिर उसका, ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, तो एक बार में एक ही ना काम कर रहा है, यस सर, ओके सर, आगे चलो, D2 देखो बच्चा, दो पेंडुलम है, एक रेस्ट में है, स्विंग करना शुरू किया, देयर लेंथ 7.44 मीटर एंड 1 मीटर, ठीक है बच्चा, एक की लंबाई 1.44 मीटर है, एक की लंबाई 1 मीटर है ना बेटा, ठीक है, तो इसके कितना हो जाएगा टाइम पीरियड, इसका तो हो जाएगा 2 सेकंड ना बेटा, यस सर, है ना, यस सर, यस सर, इसके कितना हो जाएगा 2/L/g, इसका हो जाएगा 2.4 सेकंड होगा, बोलो, है ना, कहता है कितने बार ऑसिलेट करने पे फिर फेज में आ जाएंगे, है ना बेटा, तो क्या इन दोनों का बताओ किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि दोनों का वैल्यू बराबर हो जाए, बोलो, 6 बार इसको करो मल्टीप्लाई और इसको 5 बार मल्टीप्लाई करो, होगा बेटा 12, बोलो, है ना, बोलो बेटा, तो टाइम पीरियड जितनी बार रिपीट होता है बेटा उतना होता है फेज, बोलो, तो दोबारा सेम फेज में आने के लिए क्या कहोगे, छोटे वाले पेंडुलम का 6 ऑसिलेशन और बड़े वाले का 5 ऑसिलेशन, समझ गए, D5 चलो, D5 देखो, एक सिंपल पेंडुलम है बेटा, लेंथ L, लंबाई M, लेंथ L, मास M, इसे पूछा गया है कि द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, बोलो बेटा सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ पे होगा, पेंडुलम तो ऐसे नहीं करता बेटा, बताओ ऑसिलेट, मेन पोजीशन, पोजीशन पे ना बेटा, यस सर, है ना, तो बताओ तो मीन पोजीशन पे क्या कहोगे, मीन पोजीशन पे क्या वेलोसिटी होगी, ए ओमेगा, ए ओमेगा, बिल्कुल सही बात, तो वी कितना हो गया एम्पलीट्यूड ए, ओमेगा हो गया रूट जी बाई एल, यस सर, है ना, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलो,
तो बोलो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? b2 / l बेटा यहाँ टेंशन निकालने बोला है तो t माइनस mg बराबर ma निकाल लो टेंशन. यस सर. समझ गया? एक बार d2 का स्क्रीनशॉट लेना था. बोलो बोलो. d2 का स्क्रीनशॉट लेना था सर, तो मेरे को कर दीजिए. d3 d2 का स्क्रीनशॉट लेना है. ये वाला देख लो भाई. आगे चलो. बस इतना ही था होमवर्क. ठीक है फिर आगे का मार्क करो फिर होमवर्क. आरबीडी में कहाँ तक कर लिया बेटा हम लोगों ने? आज 20 तक कर लिया ना. यस सर. तो आरबीडी का होमवर्क में एक्सरसाइज 3 part 1 21 से 30 कर लो है ना. और सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लो. ठीक है बेटा. क्या एसएचएम खत्म हो गया? हाँ खत्म हो गया बेटा एसएचएम. ठीक है सर. ठीक है. ठीक है सर. ओके बच्चा. बाय सर. बाय. वही कर लेंगे फिर. ठीक है सर. बाय सर. बाय बच्चा.